नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्री दंगल ग्रुप से फिर से प्रस्तुत हूँ कृषि पर्यवेक्षक 2013 का पेपर लेकर के, जिसको हम आज सॉल्व आउट करने वाले हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 5.4%, 10.4%, 15.4% या 20.4%? तो इनमें से सही उत्तर होगा 10.4%। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4B क्या है? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान? तो सही उत्तर होगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदा से घर्षित है? 5.6 लाख हेक्टेयर, 7.8 लाख हेक्टेयर, 10.6 लाख हेक्टेयर या 12.8 लाख हेक्टेयर? तो इनमें से सही उत्तर होगा 10.6 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है, अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? चूना, जिप्सम, गंधक, पाइराइट? तो सही उत्तर होगा चूना। और अगर हम दोस्तों बात करें क्षारीय भूमि की, तो क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम उपयोगी होता है। नेक्स्ट आता है, भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितने क्षेत्रों में या श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 5, 8, 10 या 12? तो सही उत्तर आएगा 8। नेक्स्ट आता है, शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण रचना है? एनीकट, खडीन, खेतकुंड या तालाब? तो सही उत्तर आएगा खडीन। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफॉस्फेट या DAP? तो इनमें सही उत्तर होगा यूरिया। नेक्स्ट आता है, अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम, एजोला, एजेटोवेक्टर या PSV? तो सही उत्तर होगा एजेटोवेक्टर। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो उनमें राइजोबियम काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई के स्रोत क्या है? तालाब, नहरें, नदियाँ, कुएँ एवं नलकूप? तो इनमें सही उत्तर होगा कुएँ एवं नलकूप। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स में आ चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? माही कंचन, गंगा 11, नवजोत या गंगा सफ़ेद? तो सही उत्तर आएगा गंगा सफ़ेद। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में सरसों बुआई की औसत बीज दर क्या है, यानी सरसों की बीज दर? 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 9 से 10 KG प्रति हेक्टेयर? तो सही उत्तर होगा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट आते हैं, मूंग फसल में प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या क्या है? 66,000, 1,20,000, 2,40,000, 3,33,000? तो इनमें सही उत्तर आएगा 3,33,000। नेक्स्ट आता है, वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, सिल्वीपेस्ट्रस या फार्म फॉरेस्ट्री? तो इनमें सही उत्तर होगा सिल्वीपेस्ट्रस। नेक्स्ट आता है, गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? शीर्ष जड़ जमने के समय, फुटान पर, बलिया आने पर या दूधी अवस्था आने पर? तो इनमें सही आंसर आएगा शीर्ष जड़ जमने के समय। नेक्स्ट आता है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल होता है? 20%, 40%, 30% या 50%? तो इनमें सही उत्तर होता है 20%। नेक्स्ट आता है, इनमें से किस शाकनाशी का मक्का उड़द अंतर सस्य में प्रयोग करना चाहिए? 2,4-D, आइसोप्रोटीरोन, एट्राजीन, स्टाम्प? तो इनमें सही उत्तर आएगा स्टाम्प। नेक्स्ट आता है, भूमि समतुल्यांक अनुपात LER किसका निर्धारण बिंदु है? एकल फसल खेती, अविराम खेती, मिश्रित खेती या क्रमबद्ध खेती? तो इनमें सही उत्तर होगा मिश्रित खेती। नेक्स्ट आते हैं, संकुल मक्का का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्का के एक खेत से दूसरे खेत की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 24 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर या 100 मीटर? तो इनमें सही उत्तर होता है 100 मीटर। नेक्स्ट आता है,
सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दानों में कितने प्रतिशत नमी उपयुक्त है? 8 से 10%, 12 से 15%, 15 से 18% या 18 से 20%? इनमें सही उत्तर आता है 8 से 10%। यह नमी काफ़ी उपयोगी होती है अनाज वाले फसलों के लिए। वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है? कृषि विज्ञान केंद्र, जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, आत्मा या NATP? तो इनमें से उत्तर आएगा जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन। नेक्स्ट आते हैं, भारत में वर्तमान में उद्यानिक फसलों का क्षेत्रफल है 12 मिलियन हेक्टेयर, 15 मिलियन हेक्टेयर, 17 मिलियन हेक्टेयर या 20 मिलियन हेक्टेयर? तो इनमें सही उत्तर आता है 12 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट आते हैं, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इनमें सही उत्तर आएगा विटामिन सी। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस क्षेत्र में, किस ज़िले में सबसे अधिक होती है? उदयपुर, सिरोही, भरतपुर, अजमेर? इनमें सही उत्तर आएगा अजमेर। नेक्स्ट आते हैं, पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? फूलगोभी, टमाटर, गाजर या प्याज? तो सही उत्तर आएगा टमाटर। इसी के साथ दोस्तों मैं बताता हूँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो और वीडियोज़ डालेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट आते हैं, संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? कर्तन, कलिकाइन, बीज द्वारा या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर आता है कलिकाइन द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय है जून, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी? तो सही उत्तर आता है जुलाई। जुलाई का महीना आम के पौधे के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। उद्यान लगाने की विधि में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? वर्गाकार, षटकोण, सीढ़ीनुमा या त्रिकोणीय? तो सही उत्तर आता है वर्गाकार विधि। इस विधि में 4 पौधे एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको वर्गाकार कहते हैं। नेक्स्ट आता है, पुराने या आर्थिक रूप से कमज़ोर बाग को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? भेट कलम, कलिकाइन, स्टूलिंग या चोट कलम विधि? तो सही आएगा चोटी कलम विधि। नेक्स्ट आते हैं, नींबू वर्गीय वृक्षों में फल जड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वर्धन नियंत्रक का छिड़काव करते हैं? IBA, GA, इथ्रेल या 2,4-D? तो सही उत्तर आएगा 2,4-D। नेक्स्ट आता है, टमाटर में बसंत ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीजों की बुआई कब करते हैं? नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में या फरवरी में? तो सही उत्तर आएगा जनवरी में। नेक्स्ट आता है, प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त किस्म है? पूसा रत्नाकर, अर्का कल्याण, अर्ली ग्रेनो या N53? तो सही उत्तर आएगा N53। नेक्स्ट आता है, पछेती झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए छिड़काव करते हैं 0.2% मैनकोजेब, 0.2% मेलाथियान, 0.2% इमिडाइक्लोप्रीड या 0.2% सल्फेफेक्स? तो इनमें सही उत्तर आएगा 0.2% मैनकोजेब। नेक्स्ट आता है, आम की नियमित फल देने वाली किस्म है? अल्फांजो, आम्रपाली, केसर या राजभोग? तो सही उत्तर आएगा आम्रपाली। नेक्स्ट आता है, अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है? सीताफल, बेल, अंजीर या अमरूद? तो सही उत्तर आएगा अंजीर। नेक्स्ट आता है, भारत में तुड़ाई उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं? 30%, 40%, 45% या 20%? तो सही उत्तर आएगा 30% फल नष्ट हो जाते हैं। जेली के जमने में मुख्य कारक क्या है? तापमान, पानी की मात्रा, पेक्टिन या शक्कर की मात्रा? तो सही उत्तर आएगा पेक्टिन। नेक्स्ट आते हैं, उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है? अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में? तो सही उत्तर आएगा अक्टूबर में। नेक्स्ट आता है, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में विभक्त किया गया है? 5, 7, 9 या 10? तो सही उत्तर आएगा 10। इस प्रश्न को मैं मोस्ट तो नहीं बल्कि महामोस्ट कहूँगा, क्योंकि प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आता है, आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम, 5 से 6 क्विंटल,
आठ से दस क्विंटल या 15 से 20 क्विंटल? तो सही उत्तर आएगा 15 से 20 क्विंटल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, सिंचाई की छिड़काव या स्प्रिंकलर या बूंद बूंद विधि से लगभग कितने प्रतिशत पौधों की बचत होती है या पानी की बचत होती है? 20%, 30%, 40% या 45%? इनमें सही उत्तर आएगा 45% जल की बचत होती है। नेक्स्ट आता है, गिर गाय का उत्पत्ति स्थल है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो सही उत्तर आता है गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही उत्तर आता है मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, थारपारकर, नागौरी। तो सही उत्तर आता है होलिस्टन फ्रीजियन, काफ़ी अच्छी किस्म है या नस्ल है। नेक्स्ट आता है, सबसे ज़्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल है मुर्रा, नीली रावी, भदावरी या मेहसाना। तो सही उत्तर आएगा भदावरी। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी या जमुनापरी। तो सही उत्तर आएगा जमुनापरी। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम है सोनाड़ी, मालपुरा, चोकला या जैसलमेरी। तो सही उत्तर आता है चोकला। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? एंथ्रेक्स, रानीखेत, लंगड़ी या खुरपका, मुंहपका। तो सही उत्तर आएगा रानीखेत। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। नेक्स्ट आता है, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, कैल्शियम या पोटेशियम। सही उत्तर आता है कैल्शियम। दुग्ध बुखार को हम मिल्क फीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? थनेला रोग, दुग्ध बुखार, खूनी पेचिस या गलघोंटू। तो सही उत्तर आता है गलघोंटू। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है? अरंडी, एल्कोहल, कपूर या एल्कोहल। तो सही उत्तर आता है अरंडी। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? फिनाइल, अरंडी का तेल, कपूर या एल्कोहल। तो सही उत्तर आता है फिनाइल। नेक्स्ट आते हैं, एक दिन के मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? रानीखेत, चेचक, खूनी पेचिस या गंभोरी या गंभोरो। सही उत्तर आया है रानीखेत। नेक्स्ट आता है, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? भदावरी, नीली रावी, जाफरावादी या मुर्रा। तो सही उत्तर आता है जाफरावादी। अब नेक्स्ट आते हैं, नीला थोथा का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? उत्तेजक, कृमिनाशक, विरेचक या जीवाणुनाशक। तो सही उत्तर है कृमिनाशक। नेक्स्ट आता है, मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की जाती है? सूरती क्रॉस जाफरावादी, मुर्रा क्रॉस सूरती या मुर्रा क्रॉस नीली रावी या मुर्रा क्रॉस भदावरी। तो सही उत्तर आएगा मुर्रा क्रॉस सूरती। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है? जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस या रेड तेल। सही उत्तर आएगा जर्सी। नेक्स्ट आता है, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है चोकला क्रॉस मेरिनो से, मारवाड़ी क्रॉस रेम्बुलेट से या मालपुरा क्रॉस रेम्बुलेट से या मालपुरा क्रॉस कराकुल से। तो सही उत्तर आएगा मालपुरा क्रॉस रेम्बुलेट से। नेक्स्ट आते हैं, दराती नुमा सींग किस नस्ल की पहचान है? मुर्रा, सूरती, मेहसाना या जाफरावादी। तो सही उत्तर आता है सूरती। नेक्स्ट आते हैं, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है दांत से, चमड़ी से, खुर से या पूंछ से। तो सही उत्तर आता है दांत से। अब लास्ट प्रश्न आता है, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? मुर्रा, मेहसाना, जाफरावादी या नीली रावी। तो इनमें सही उत्तर आएगा मेहसाना, इसके सिर पर टीका होता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो और वीडियो डालेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।